लेकिन इस पीढ़ी के भाग्य में आया रामलला जीवंत अपने अधिष्ठान पर वहां पर खड़े हैं ये देखने का। 22 तारीख को उस आयोजन में मेरा सौभाग्य था, मुझे प्रत्यक्ष साक्षी होने का अनुभव मिला। अगर किसी कारण भारतवर्ष समर्थ नहीं हुआ तो विश्व को बहुत जल्दी विनाश का सामना करना पड़ेगा, ऐसी स्थितियां है। 75 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में यह आयोजन हो रहा है, ऐसे श्रद्धेय गोविंद गिरी जी महाराज, श्रद्धेय राजेंद्र दास जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, श्रद्धेय लोकेश मुनि जी, श्रद्धेय सदानंद जी महाराज, श्रद्धेय मारुति बुआ जी, उपस्थित सभी अन्य संत वृंद, नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय कार्यकर्तागण, आपने अभी सुना है मैंने जो कहा, 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये आयोजन हो रहा है, क्योंकि उस प्रवेश द्वार के अंदर आकर यहाँ जो जो कुछ हो रहा है उसका आलोकन करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यह आयोजन किया नहीं गया है, ये हो रहा है। ये होना है, ये नियति की योजना है, उसके अनुसार ये हो रहा है। क्यों मैं ऐसे कहता हूं, क्योंकि बहुत सी बातें इधर के दिनों में ऐसी हुई है कि जो हो ये इच्छा लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रयास तो किए, पूर्ण पुरुषार्थ प्रकट किया, सर्वस्व समर्पण किया, लेकिन ऐसा करने के बाद भी भगवान गीता में कहते अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा, इसके साथ सारे प्रयास हुए परंतु अंत में दैवम चैवात्र पंचमम। आखिर उसकी इच्छा है वही होता है, जो जो जब जब होना है सो सो तब तब होता है। सतत पुरुषार्थ करना, प्रयास करना अपना काम है, फल को प्रभु हाथ छोड़ देना है। और इसलिए कहते हैं कि माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो इधर के दिनों में जो भारतवर्ष में घट रहा है वो सभी कार्यकर्ताओं के प्रचंड पुरुषार्थ और समर्पण के बावजूद वो किया नहीं जा रहा है, वो हो रहा है। ऐसी बातें होती है, इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने साथियों को कहा, हे राज्य भावे हे तो श्रींची इच्छा, इसलिए डॉक्टर हेडगेवार ने संघ के स्वयंसेवकों को बार बार कहा कि अपना ईश्वरीय कार्य है। इसका एक अर्थ यह है कि इसकी सफलता निश्चित है, और दूसरा ये अर्थ है कि तात्कालिक सफलता विफलता से डिग न जाते हुए सतत प्रचंड पुरुषार्थ समर्पण के साथ करना आवश्यक है। और भारतवर्ष का सद्भाग्य ये है कि ये श्रद्धा भक्ति समर्पण ये भारतवर्ष में जनसामान्य के अंदर सतत विद्यमान रहने वाला गुण है, कभी सोता है तो उसको जगाने वाले भी मिलते हैं। श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने
जो वरदान मांगा पसायदान में, उन्होंने कहा कि ईश्वर निष्ठों की मंडली हमेशा मिलती रहे, तो हमको ये वरदान प्राप्त है कि हमारे अंदर श्रद्धा भक्ति विद्यमान है, हम कभी भी उससे विमुख नहीं होते। हो सकता है वो सो जाए तो उसको जगाने वाली ईश्वर निष्ठों की मंडली हमको मिलती रहती है, और इसलिए हम देखते हैं कि महाभारत में प्रचंड संहार हुआ, बहुत सारी प्रतिभाएं उस युद्ध में समाप्त हो गई। हो सकता है कलयुग आने वाला था, मनुष्य की बुद्धि जो उस समय का ज्ञान था उसका सदुपयोग करे ऐसी बचने वाली नहीं थी, इसका आभास सबको था, भगवान को तो था ही था, उन्हीं के योजना क्रम से सारी बातें होती रहती है। तो उस समय का वो दिव्य ज्ञान लोगों के हाथ में न लगे, इसलिए इस संहार की रचना हुई, और उस संहार में वो ज्ञान भी नष्ट हो गया। परंतु ज्ञान नहीं है तो अज्ञान का अंधकार है, और अज्ञान के अंधकार का परिणाम तो सतत पतन और अंत में विनाश यही है। और जैसा स्वामी जी ने आज कहा, मैं रहूं ना या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। ईश्वर की इच्छा भी यही है कि कोई रहे ना रहे, भारत ये रहना चाहिए, क्योंकि भारत को उन्होंने एक प्रयोजन दिया है। वो प्रयोजन यही है कि जीवन के अंधकार को हटाकर तमसोमा ज्योतिर्गमय असतोमा सद्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, इस प्रकार सतत आगे बढ़े सृष्टि समष्टि और व्यष्टि मिलकर, ऐसा ज्ञान समय समय पर विश्व को देते रहना, और इसलिए भारत बना रहना चाहिए। तो भगवान की इच्छा है, लेकिन दैव पांचवा है, पहले चार मनुष्यों को पूर्ण करने पड़ते अपने पुरुषार्थ से, तो फिर नैमिषारण्य में एक बहुत बड़ा संगम हो गया ऋषियों का, 84,000 ऋषि एकत्र आए थे। ऋषि वो होते हैं जो ज्ञान का सतत अनुसंधान करते हैं, एकांत में आत्मसाधना करते हैं, लोकांत में सेवा परोपकार विद्यादान ज्ञानदान इसमें अपना समय बिताते हैं। उन सब ने विचार किया कि संवार हुआ लेकिन भारत ही रहना चाहिए, इसलिए हमको क्या क्या करना होगा। जितना ज्ञान था उस समय मानव जाति के पास, उसकी फिर से चर्चा हुई, शास्त्रार्थ हुए, उसको कलयुग की बुद्धि लेकर मानव समझ सके इतना सरल बनाया गया, उसके विभाग किए गए, और गांव गांव में घर घर में झोपड़ी झोपड़ी में अंतिम व्यक्ति तक वो ज्ञान पहुंचे इसकी व्यवस्था की गई। आज के हमारे जो घुमंतु बांधव है, वो उस समय जो व्यवस्था हुई थी एक एक झोपड़ी तक ज्ञान पहुंचाना, इस कार्य के लिए जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर देश देश गांव गांव विचरण करना स्वीकार किया, ऐसे अभियानकर्ताओं के अवशेष, उनके वंशज, और आज भी कुछ मात्रा में श्रद्धा पूर्वक उस व्रत को निभाने वाले अपने बंधु, वही हमारे घुमंतु बंधु है। आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा उद्यम। सब लोग वेद बोल नहीं सकते, सब लोग प्रवचन कर नहीं सकते, सब लोग विज्ञान समझ नहीं सकते, लेकिन आज हमारे किसी देहात में या वन प्रदेश में रहने वाली अशिक्षित बूढ़ी माता भी बच्चों को कहती है शाम के बाद वृक्षों को पेड़ों को हाथ मत लगाओ, वो सोते हैं। जगदीश चंद्र बसु ने ये विज्ञान की दृष्टि से बताने के सदियों पहले से ये ज्ञान हमारी झोपड़ियों में पहुंचा है। छोटी मोटी बीमारियों के घरेलू उपचार हमारे यहां प्रचलित है,
कितनी ही ऐसी बातें प्रत्यक्ष आचरण की जो पहुंची, क्यों पहुंची, वो आयोजन हुआ नैमिषारण्य में। आज मैं यहां आया तो मुझे लगा कि आयोजन भी उसी प्रकार का आयोजन है। निमित्त महाराज जी के 75 वर्ष पूर्ण हुए उसका है, परंतु आयोजन उस दृष्टि को मन में लेकर किया है कि नहीं किया है मुझे पता नहीं, लेकिन होना वही है। फिर से यहां पर शास्त्रों की चर्चा होने वाली है, ये हो रहा है। रामलला आ गए 22 तारीख को, बहुत बड़ा पुरुषार्थ हुआ, सतत लड़ाई हुई, सब हुआ, लेकिन इस पीढ़ी के भाग्य में आया रामलला जीवंत अपने अधिष्ठान पर वहां पर खड़े हैं ये देखने का। ये हुआ है, ये हुआ है, ये सारे पुरुषार्थ के बावजूद भी किया नहीं है। चार बातें हमने ठीक से पूरी की, इसलिए भगवान की कृपा बरसी है, उनकी इच्छा से हुआ है, और उनकी इच्छा के फलीभूत होने का वो प्रारंभ बिंदु है। 22 तारीख को उस आयोजन में मेरा सौभाग्य था, मुझे प्रत्यक्ष साक्षी होने का अनुभव मिला, महाराज जी भी वहां थे। उसके बाद यहां पर इस आयोजन को होता हुआ मैं देखता हूं तो मुझे लगता है ये संयोग नहीं है, ये योजना है, नियति की योजना है। क्योंकि ज्ञान देना है, भारत को उठना है, भारत को बड़ा होना ही है, विश्व को आवश्यकता है। अगर किसी कारण भारतवर्ष समर्थ नहीं हुआ तो विश्व को बहुत जल्दी विनाश का सामना करना पड़ेगा, ऐसी स्थितियां है। विश्व के ज्ञानी लोग इसको जानते हैं, वो बोल रहे, लिख रहे, भारत को अपना कर्तव्य करने के लिए समर्थ बनना है, खड़ा होना है। और भारत भारत है, तेज में रथ है, ज्ञान के प्रकाश में रथ होने वाला भारत। हमारे पास ज्ञान है, चतुर्वेदाः पुराणानि सर्वोपनिषदस्तथा रामायणम भारतंच गीता सद्दर्शनानि च जैनागमाः त्रिपिटका गुरुग्रंथ सतांगिरा एष ज्ञान निधि श्रेष्ठ। तो ये अगर प्रारंभ हो गया है भगवान के संकल्प की पूर्ति, मनुष्यों के पुरुषार्थ के द्वारा भगवान की इच्छा से, तो प्रारंभ के बाद उसका पहला प्रकरण यही होगा कि इस सारे ज्ञान की फिर से चर्चा होगी, फिर से चर्चा होगी। अभी महाभारत कथा का पहला खंड यहां पर उन्मिलित हुआ है, उसमें एक वाक्य है, श्लोक भी दिया है कि बार बार ज्ञान के पंक्तियों का, ग्रंथों का अर्थ करना पड़ता है, अर्थ गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए सारा प्रपंच है। अर्थ गलत होने से कितने अनर्थ हो गए, तुकाराम महाराज ने कहा है, अर्थे लोपली पुराणे घात केला शब्द ज्ञान। तो अपने इस प्राचीन ज्ञान निधि को नई परिस्थिति के संदर्भ में नए ढंग से अर्थ लगाकर उद्भासित करने की आवश्यकता है, क्योंकि चलना तो उसी बुनियाद पर है। जमाना बदल गया इसलिए हम अपना मूल नहीं छोड़ते कि यह मूल शाश्वत है, उस मूल के शाश्वतता के कारण भारत शाश्वत है।
और सारी दुनिया को मृत्यु संकट से बचाने का, उसको फिर से शाश्वतता देने का काम भारत को करना है, तो मूल तो वही है। उसमें ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, और मनुष्यों ने अपने बुद्धि से कुछ नई राहों पर चलकर कुछ जमा किया है, उसमें से जो सत्य है, जो हितकर है, प्रेरक है, ऐसा लेने की व्यवस्था भी उसी ज्ञान में है। आनो भद्रा कर्तवो यन्तु विश्वता, ऐसा कहा गया है, उसका पूर्ण विराम नहीं है। लेकिन उन्हीं शाश्वत मूल्यों को पुनर्जागृत करने की दृष्टि से आज की परिस्थिति में उनका आचरण कैसे हो, आज के परिस्थिति में उन पर आधारित आचरण के नियम कैसे बने, इसका शास्त्रार्थ होना आवश्यक है। जानकार लोगों ने, विद्वानों ने, संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, सबने एकत्र बैठकर यह जो अपना भारतवर्ष है उसके आज के स्थिति में फिर से उसको उस विश्वगुरु स्वरूप में खड़ा करने के लिए, और जो शाश्वत ज्ञान संपदा है उसको सामान्य लोगों के आचरण में उतारने के लिए, उसका कथन कैसे हो, उसका प्रतिपादन कैसे हो, उसको कैसे समझाया जाए, उसके आधार पर आचरण की व्यवस्थाएं क्या और कैसी बने, जिससे सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये निकल जाए। भेद ग्रंथियों का भेदन करके आपस में जो अविश्वास की, कट्टरता की आदि दीवारें बनी है, उन दीवारों को तोड़ के एक संध एक रस भारत, एक संध एक रस मानवता का निर्माण करेगा, जो सृष्टि को साथ लेके विश्व को सुखी सुंदर विश्व फिर से बनाएंगे। ये कर्तव्य है, इससे हम भाग नहीं सकते। उत्तर राजकुमार कौरवों की प्रचंड सेना देखकर भागने लगा तो अर्जुन ने उसको भागने नहीं दिया, उसके पीछे भागकर उसके केश पकड़कर वापस लाकर खींच कर बिठाया। रथ का सारथ्य करो, मैं लड़ता हूं। अर्जुन मोहग्रस्त हो गया, भगवान ने उसको भागने नहीं दिया। गीता का पहला पाठ यह है, भागो मत, कर्तव्य करना ही करना है। तू नहीं कर रहा है, कर रहा है अज्ञानवश, तू क्या करेगा, तेरा स्वभाव तुझसे करा लेगा। तुम निमित्र मात्र बनो, योजना मेरी है, उस योजना में खपकर तू मृत हो गया तो स्वर्ग मिलेगा, जीत गया तो पृथ्वी का वैभव मिलेगा। इस मार्ग ने पराजय नहीं है, लेकिन कर्तव्य कर, नियति ऐसा ही करेगी। हम समझे ना समझे, हमारे पीठ पर चाबुक धरकर, कान पकड़कर हमसे काम करवाएगी। ये होने वाला है तो हंसते हंसते क्यों ना करें, लेकिन कैसे करें, इनको समझाने वाले ज्ञानी पुरुष है, वो यहां पर एकत्रित है और ये काम कर रहे हैं। श्रद्धा भक्ति हम में पहले से है, हमारा देश श्रद्धा का देश है, और श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। पुरुषार्थ की आवश्यकता है, ऐसा पुरुषार्थ बिना किसी फल की आशा से, बिना किसी बख्शीश की आशा से जिन लोगों ने आचरण किया है जीवन भर, उनका सम्मान कुछ आज हुआ है, कुछ होने वाला है आगे भी। हमारे सामने ये उदाहरण भी आएंगे। स्वामी जी के 75 वर्ष के निमित्त में इस पुरुषार्थ का सूत्रपात इस कार्यक्रम से होगा, ऐसा मुझे मन में लग रहा है, मेरे मन में एक विश्वास पैदा हो रहा है। यहां पर चर्चा होगी, शास्त्रार्थ होंगे, कई उसके फलित निकलेंगे, वो फलित केवल इस कार्यक्रम तक मर्यादित नहीं होंगे, केवल चर्चा करने वालों के पास नहीं रहेंगे, सारे समाज में जाएंगे।
समाज के आचरण में जिस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है उस प्रकार का परिवर्तन आएगा और फिर एक बार यह विशाल हिंदू समाज भगवान के चाहे परिवर्तन का उपकरण बनकर, निमित्त बनकर उनकी इच्छा से कार्य करेगा और स्वाभाविक है सफलता पाएगा। ये काम यहां से होना है और इसलिए इसमें सहभागी बाकी सब बंधुओं से मेरी प्रार्थना है कि आएंगे रहेंगे 5 दिन जो सतत रहेंगे उनको 5ों दिन अपना ध्यान यहां रखना होगा, क्योंकि एक ही प्रकार के कार्यक्रम में रहे तो ध्यान हट जाता है, आदत हो जाती है तो ध्यान हट जाता है, आदत होने के बाद बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, काम अपने आप हो जाता है। लेकिन बुद्धि नहीं लगी तो सोच के बिना, ऐसा कहा है उभाभ्या में वो पक्षाभ्या यथा खे पक्षिणाम गति, दोनों पंखों से पक्षी की गति आकाश में रहती है वैसे तथैव ज्ञान कर्मभ्याम जायते परमम पदम। परम पद प्राप्ति के लिए ज्ञान कर्म दोनों चाहिए और ज्ञान कर्म दो पंख है तो भक्ति शरीर है, ज्ञान कर्म और भक्ति की त्रिवेणी ये काम करती है। जब केवल आदत से काम होता है तो भक्ति भी हट जाती है और ज्ञान भी हट जाता है, तो कर्म विक्षिप्त कर्म होता है, बिना कर्म के भक्ति पंगु हो जाती है और बिना ज्ञान के कर्म में विपरीत ज्ञान आ जाता है तो अहंकार हो जाता है, तो फिर वो राम का कर्म नहीं रहता, रावण का कर्म रहता है। और इसलिए बहुत ध्यान हमको देना पड़ेगा सारी बातों पर, उसमें से जो पास रखना है और जो लेके जाना है वो सारा पास आए क्षणशः कणशः, इसका प्रयास करते हुए हमको इस अवसर का लाभ उठाना है। क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि ऐसे प्रसंग एक के बाद एक जो हो रहे हैं वो किए नहीं जा रहे हैं, वो अपघात नहीं है, संयोग नहीं है, वो नियति की योजना है। और उस नियति की योजना के कर्मकार हम बने, इसलिए हमारे पास उन प्रसंगों तक लाने के लिए हमारे संत वृंद आचार्य गण विद्वान लोग सब कारणीभूत हो रहे हैं, उनके प्रति मेरे मन में कृतज्ञता हृदय में परिपूर्ण है। उस कृतज्ञता के साथ स्वामी जी को मैं उनके अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं देता हूँ और उनका ये आयोजन अपने सर्वार्थ में सर्वांग परिपूर्ण सफल हो ये हृदय की इच्छा व्यक्त करता हूँ। मेरा ये विद्वानों में अविद्वान का भाषण आपने सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ और मेरे कथन को विराम देता हूँ।